नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू ड्रॉ बियर्ड के एपिसोड 2 के बारे में। और फर्स्ट एपिसोड मैंने बनाया था, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जो मिड साइज़ की, या हम ये कहें कि मीडियम साइज़ की जो बियर्ड होती है उसको हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करेंगे जो बिल्कुल ट्रिम्ड होती हैं, या बहुत जिसको मैं बोलूँ 1 नंबर या 2 नंबर पे जो बियर्ड बनाई जाती है, जो मेन लोग होंगे वो समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो वो जो बियर्ड होती है उसको हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और ये मुझे लगता है कि यही सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है बिगनर्स को और आर्टिस्ट को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि इसमें आप ये भी नहीं कर सकते, आपको पूरी लिबरेशन नहीं होती कि आप पूरा एक बार में ब्लैक कर लें, या फिर इस तरह भी नहीं रहता कि अगर ज़ीरो ट्रिम्ड हो तो आप बिल्कुल आपको ग्रे स्केल्स डालनी है। तो ये बीच की सिचुएशन है जिसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स लाने पड़ते हैं। तो यहाँ चलिए, मैंने कुछ आउटलाइंस तो हल्की सी रफली ड्रॉ कर रखी हैं, क्योंकि आउटलाइन का ट्यूटोरियल नहीं है। यहाँ पे मैं बस आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको अचीव करना है, और थोड़े से स्मार्ट वर्क में चलिए। अब यहाँ देखिए, मैं फ्रेंड्स अप्सरा की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहे हैं आप। यहाँ पे मेरे पास स्टैडलर की पेंसिल भी है 4B और अप्सरा की पेंसिल भी है 3B, जो कि ब्रांड वैल्यू के हिसाब से दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, प्राइसिंग के हिसाब से भी। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर स्किल्स। अगर ऐसा नहीं है कि आप इससे नहीं वो रिजल्ट्स अचीव कर सकते या उससे वो रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, तो यार फ्रेंड्स सबसे पहला काम आप जो कीजिए जब बियर्ड ड्रॉ कीजिए, तो एक ग्रे स्केल को आप पूरे बियर्ड पे ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं बिल्कुल ही देखिए ले डाउन करके पेंसिल को और एक ग्रे स्केल को ऑफ कर ले रहा हूँ। तो बिल्कुल आपको हल्की हल्की हैचिंग करनी है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, प्रेशर नहीं देना है पेपर के ऊपर। भले आपको 2-3 बार में इसको करना पड़े, लेयर बाय लेयर करना पड़े, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं एक बार में ही सारी लेयर्स को ऑप्ट कर लूँ। तो ही गलतियाँ होती हैं फ्रेंड्स जब हम थोड़ा सा जल्दीबाजी में भागते हैं। मेरी स्मार्ट वर्क कहने का मतलब ये है कि आप स्मार्टली वर्क कीजिए, ये नहीं कि आप जल्दीबाजी करें उसमें। जल्दीबाजी कभी भी मत कीजिए फ्रेंड्स पोर्ट्रेट्स में। आप टाइम लीजिए ज़रूर से चीज़ों को, लेकिन हाँ, जब एक बार आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखने लगें तो उसके बाद फिर कुछ स्मार्ट वर्क भी आपको सीखने आने चाहिए। तो देखिए, एक फर्स्ट लेयर को मैंने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद आप कोई भी वाटर कलर ब्रश यूज़ कर लीजिए। अगर वाटर कलर ब्रश नहीं है आपके पास तो आप फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी फिंगर्स क्लीन होनी चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए फिर मैं फ्रेंड आगे फर्दर इसमें वाटर कलर ब्रश यूज़ करके इसको स्मच कर दे रहा हूँ। और जो पेपर मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो बिल्कुल प्रिंटिंग पेपर है, जो कि आप भी जो आपके पास होता है फोटोकॉपी वाला पेपर, वही पेपर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स जस्ट अ ट्यूटोरियल टू लेट यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू एग्जीक्यूट व्हेन इट कम्स टू स्मॉल बियर्ड, स्मॉल साइज बियर्ड। तो देखिए, एक लेयर मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे, मैं थोड़े से नोज़ को भी ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि नोज़ है कहाँ पे, और उसके आगे फिर हम तभी बढ़ पाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। फाइन पेंसिल जैसे कि 3B हो गई, या फिर 4B पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट इट्स ऑल डिपेंड ऑन द स्किल्स, नॉट द मटेरियल व्हाट यू यूज़। अब जो डार्क एरिया है उस पर मैं 4B यूज़ करके उसको डार्क करने की फर्स्ट लेयर को अलाउ कर रहा हूँ, और 4B यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ मैं आपको ग्रेफाइट के ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ चारकोल या किसी और ब्लैक पेंसिल को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हालाँकि मैं कर सकता हूँ, मैं करता भी हूँ इनफैक्ट मेरी वीडियोज़ में, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक समझाना है, इसलिए यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप्स ऑफ बंच ऑफ हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंगल सिंगल हेयर ऐसे नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये बहुत समझने वाली बात जो है, मैं क्या कर रहा हूँ, बंच ऑफ हेयर्स को एक साथ लेके चल रहा हूँ।
और रियल में भी ऐसा ही होता है जो ये हेयर्स आपको दिख रहे हैं, क्योंकि ये इस फोटो को जब आप जूम करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि देर आर बंच ऑफ हेयर्स, नॉट सिंगल हेयर्स नहीं है। उसके बीच में फिर आप थोड़े थोड़े हेयर्स और डाल दीजिए तो वो और अच्छे से निकल के आने लगता है। उसके बाद जो एजेस हैं फ्रेंड्स, ये जो एजेस हैं यहाँ पर बहुत ही फाइनली आपको हेयर्स को जनरेट करना है, और उसके लिए आपके पास और कोई शॉर्टकट नहीं है, जस्ट टू गेट दीज लेयर, जैसे मैं यहाँ पे अलाउ कर रहा हूँ इसको। और ये देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो ग्रे स्केल्स हैं वहीं यहाँ पे भी है, तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ पे भी एक हल्की ग्रे स्केल को ऑप्ट कर लेता हूँ। देखिए इसको मैंने हल्का सा स्मज भी कर दिया। अब उसके बाद काम हमारा बस यही है कि शुरुआत में जो हल्के हल्के लाइंस दिख रही हैं हेयर्स की, जहाँ पे जॉइंट हो रहा है, जहाँ पे एज है, बाउंड्री है, जिसको जो भी कहें आप, उस पे पहले लाइंस को आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आप ये करें फ्रेंड्स, तो बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिस स्ट्रोक्स में, जिस फ्लो में हेयर्स दिख रहे हैं, बस उसी फ्लो के अकॉर्डिंगली चलिए, उसी लाइन में चलने की कोशिश कीजिए। बस ये मत कीजिए कि आप अपने डायरेक्शंस में जा रहे हैं, लेकिन ये भी मत कीजिए फ्रेंड्स कि बिल्कुल पैरेलल लाइंस खींच दीजिए। जो मैंने देखा है अक्सर बिगिनर्स गलती करते हैं जब वो बियर्ड्स को ड्रॉ करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट की भी मैंने ये गलतियाँ देखी हैं फ्रेंड्स, कि वो बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से पैरेलल लाइंस खींच देते हैं बियर्ड को फिनिश करने के लिए, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक तो नहीं ही लगता है। बट इसीलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में है, थोड़े बहुत ऑकवर्ड डायरेक्शंस भी होते हैं उसमें, डिस्प्रोपोर्शनेट डायरेक्शंस होते हैं, पैरेलल तो बिल्कुल नहीं होते, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स हमेशा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अक्सर जो मिस आउट हो जाती है, जो कि बियर्ड्स और लिप्स के बीच का जो एरिया होता है, वहाँ पे भी थोड़ी सी ग्रे स्केल को ऑप्ट करना चाहिए, वो बिल्कुल वाइट नहीं छूटा रहना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी ग्रे स्केल्स को ऑप्ट कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा बिल्कुल आउट ऑफ द वे ना लगे। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जब हमने ये फाइनल कर लिया तो उसके बाद अब मैं डार्कर जो एरियाज़ हैं, जो कि बियर्ड्स के जो एकदम जॉ लाइन पर जो दिख रहा है, वहाँ इसलिए दिखता है क्योंकि कलेक्शन ऑफ हेयर्स हो जाता है और जिस व्यू से हम देख रहे होते हैं वो ज़्यादा डार्क दिख रहा होता है। तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है, जब भी आप किसी को ऑब्जर्व करें तो देखिएगा जहाँ एजेस होती हैं, जहाँ कट्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा डार्क एरियाज़ होते हैं हेयर्स वगैरह में खासकर, और बियर्ड में खासकर। तो वो एजेस पे देखिए मैं यहाँ पर डार्कर वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ, और बीच बीच में मैं 4B के भी छोटे छोटे स्ट्रोक्स चला रहा हूँ, लेकिन डायरेक्शन वही रखने की कोशिश कर रहा हूँ जो डायरेक्शन रियल में है, और उसी से लाइकलीनेस आती है आपके पोर्ट्रेट में, एक जैसा दिखना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस स्मार्टली आप ये समझ जाइए कि जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स, जो रियल इमेज में जो हेयर्स हैं डायरेक्शन के, उसी डायरेक्शन में फिनिश करने की कोशिश कीजिए। यहाँ थोड़े से मैं लिप्स को भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ, हालांकि वो इस ट्यूटोरियल का पार्ट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी उसमें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस कैसा है, कहाँ पे क्या है। मैं उसको फिनिश बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बस इसको ऐसे ही रख रहा हूँ क्योंकि वो हमारे ट्यूटोरियल का पार्ट नहीं है फ्रेंड्स। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं फिर सेकंड लेयर में ग्रे स्केल को ऑप्ट कर रहा हूँ और 4B यूज़ करके एक और बार, जैसे मैंने पहले बताया था शुरुआत में, ले डाउन करके और थोड़ी ग्रे वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद अब देखिए, अब उसके ऊपर जब मैंने ग्रे लेयर्स को ऑप्ट कर लिया, तो अब मेरे लिए काम बस ये हो गया कि मैं कुछ कुछ जगह पे भी हेयर्स को जैसे हाईलाइट कर दूंगा या शो कर दूंगा डार्कर वैल्यूज़ को, तो बिल्कुल वो शो होने लगेगा बियर्ड के जैसा, और ये नहीं रहेगा कि हमें एक एक बालों को पकड़ करके एक जैसा इमेज को कॉपी करके ड्रॉ करना पड़ेगा। उसमें एक तो मेहनत भी बहुत लगती है फ्रेंड्स, और दूसरा वो कोई बहुत आर्टिस्टिक सा भी नहीं प्रोसीजर है, वो बस बिल्कुल सिंपली देख देख के बस ड्रॉ कर रहे हैं आप, एक एक हेयर देख देख के नकल मार के ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो उसमें कुछ वो भी नहीं रह जाता, कुछ चार्म भी नहीं रह जाता, कुछ मज़ा भी नहीं रह जाता, तो आर्ट जैसा नहीं रह जाता, वो बिल्कुल कॉपी जैसा रह जाता है कि बस आपने कॉपी कर लिया उसको। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं उसको धीरे धीरे ऑप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ अपने पोर्ट्रेट में। और अब देखिए, मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके जो बहुत फाइन लाइंस थी उसको मैंने ऑप्ट किया, और इस तरह से देखिए मेरे फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी हद तक वैल्यूज़ को ऑप्ट किया। थर्ड लेयर में आकर मैं और ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर रहा हूँ,
और इस तरह से देखिए मैंने इसको बियर्ड को फिनिश कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी जो की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बिल्कुल बताए हैं। फिनिश तो उसको किसी भी हम लेवल पे कर सकते हैं, बट वो यहाँ पे कंसर्न नहीं था, आपको सिखाना था, वो मेन पर्पज़ था। बाकी जो चीज़ें टाइम लैप्स थी वो मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं खुद से। तो फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। एक एपिसोड और बनाने की कोशिश करूँगा इसी टाइप के बियर्ड्स को लेकर के, डिफरेंट टाइप के बियर्ड्स को लेकर के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।